देखो बोटिंग हो रही है यहाँ पे, क्या शानदार व्यू आ रहा है। वरुण धवन और आलिया भट्ट आ चुके हैं कोटा। हेलो दोस्तों, मस्ती टाइम, स्वागत है आपका विशा फैमिली व्लॉग्स में। हम आ चुके हैं सेवन वंडर्स, ये कोटा की बहुत ही फेमस प्लेस है, देख सकते हैं आप। इसकी एंट्रेंस पे खड़ा हूँ अभी मैं, तो अब अंदर चलते हैं। तो सबसे पहला वंडर है कॉलिजियम, ये देखिए, ये है कॉलिजियम। इसकी डिटेल आपको मैं दिखाता हूँ, अभी देख सकते हैं, बहुत ही नायाब तरीके से बनाया गया है इसको। कॉलिजियम की डिटेल आप पढ़ सकते हैं, ये देखिए हिंदी में और ये इंग्लिश में, बिल्कुल आराम से समझ में आ रहा है सब। इस व्यू से भी देख लीजिए क्या शानदार दिख रहा है कॉलिजियम। आसपास आप देख सकते हैं कितनी हरियाली है यहाँ पे, और बारिश का मौसम और है आज तो, एक नंबर व्यू आ रहा है यहाँ पे। कैमरे को पलट के भी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ये देखिए, ये कॉलिजियम का व्यू भी ले लीजिए दूर से। बहुत ही गजब का मौसम हो रहा है। अब ये अगला है पिरामिड, और आप ये देख सकते हैं ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीजा, ये बहुत ही शानदार व्यू आ रहा है इसका। दूर वाला व्यू भी देख सकते हैं आप। ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीजा, यहाँ पे बद्रीनाथ की दुल्हनिया की शूटिंग भी हो चुकी है, बॉलीवुड मूवी। वरुण धवन और आलिया भट्ट आ चुके हैं कोटा, तो वैसे ही फेमस हो चुका है। अब ये आ चुका है सबका फेवरेट ताजमहल। भाई साहब, जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है इस जगह की। बारिश के मौसम में भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बहुत अच्छे से दिखे सब कुछ। और है ये ताजमहल का व्यू, देखिए आप लोग, जो भी असली ताजमहल गया वो भी कमेंट करके बताइएगा वीडियो में। ये देख सकते हैं क्या शानदार व्यू आ रहा है। रिकॉर्डिंग कैसी आ रही है, आवाज़ कैसी आ रही है, सब कमेंट करके बताइएगा, जो इम्प्रूव कर सकूँ मैं आगे भी। बहुत ही ज़बरदस्त माहौल हो रहा है यहाँ पे बारिश की वजह से। और ये है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ये है हमारी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, देख सकते हैं आप लोग। ये पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में, ये इंग्लिश में। और ये देखिए व्यू स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, और ये है झुकी मीनार। वाह यार, क्या मौसम है और क्या व्यू है, अल्टीमेट। पीसा की झुकी मीनार, लीनिंग टावर ऑफ पीसा, ये देख सकते हैं आप व्यू। व्हाट अ व्यू यार, व्हाट अ व्यू। गजब, बारिश की वजह से बहुत कम लोग आए हैं आज यहाँ पर, लेकिन ज़बरदस्त माहौल हो रहा है भाई साहब, ज़बरदस्त। मुझे तो लग रहा था कि मैं रिकॉर्डिंग ही नहीं कर पाऊँगा, खूब बारिश होगी, लेकिन भगवान की इच्छा कि मैं रिकॉर्डिंग कर पा रहा हूँ। देखिए आप व्यू शानदार, पूरा घुमा के बता रहा हूँ आपको, ज़बरदस्त। दो ही वंडर बच रहे हैं, वो भी दिखाता हूँ आपको मैं दो मिनट बाद। और ये आ चुका है हमारा एफिल टावर, बापरे शानदार। ये हमारा एफिल टावर का व्यू,
जबरदस्त बनाया भाई, जबरदस्त बनाया। एफिल टावर, फुल डिटेल इन इंग्लिश, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने बताई आपको। देखो बोटिंग हो रही है यहाँ पे, क्या शानदार व्यू आ रहा है। दो जन बोट में बैठे, व्हाट अ व्यू यार, व्हाट अ व्यू। देखो बोटिंग हो रही है यहाँ पे, क्या शानदार व्यू आ रहा है। दो जन बोट में बैठे, व्हाट अ व्यू यार, व्हाट अ व्यू। कोटा स्टेशन से 6 किलोमीटर दूर है और इसका टिकट 10 रुपये, छोटे बच्चों का 5 रुपये और टाइमिंग से 10 बजे तक रात को। बहुत शानदार माहौल रहता है, लेकिन आज देख सकते हो आप बारिश की वजह से सब कुछ खाली नज़र आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं तो शुक्र मना रहा हूँ बारिश नहीं हुई बस, नहीं तो हो जाती रिकॉर्डिंग की ऐसी तैसी। और ये है हमारा क्राइस्ट द रिडीमर, देखिए आप क्या शानदार व्यू है। कितनी खूबसूरती से बनाया गया इसको यार, क्राइस्ट द रिडीमर। हिंदी में डिटेल, ये है इंग्लिश में डिटेल। तो सातों वंडर खत्म हो चुके हैं। आपको कैसा लगा है वीडियो कमेंट करके बताइएगा, और पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही शानदार जर्नीज और शानदार ब्लॉग वीडियोज में आपके लिए लाता रहूंगा। कुछ मेहनत कर रहा हूँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता भाई, करोगे ना लाइक शेयर, कॉन्फिडेंस मिलेगा ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। और वहाँ पीछे देख सकते हैं आप कैंटीन है, लेकिन यहाँ पर आज जने नहीं है तो वहाँ पर भी कोई नहीं है। तो हम वापस चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। सो बाय फॉर नाउ, कीप हेल्दी, कीप स्माइलिंग, टेक केयर। तो हम वापस लौट रहे हैं घर की ओर। सातों वंडर में सबसे फेवरेट आपको कौन सा लगा कमेंट करके बताइएगा वीडियो में। 7 वंडर के बीच में एक जगह ये भी है, हावड़ा ब्रिज, जो कि बंद कर चुके हैं अभी।